अगली खबर सीतापुर से है। कोतवाली क्षेत्र के फुलरुवार गांव में रात को ज्ञात चोरों ने दो घरों को अपना निशाना बनाते हुए लाखों के जेवर समेत नकदी ले उड़े। जानकारी के मुताबिक फुलरुवा गांव के मुन्ना लाल पुत्र बाबूराम सत्य रामपाल पुत्र करण के घर अज्ञात चोरों ने दोनों घरों को निशाना बनाते हुए कमरे में रखे बक्सों को उठाकर ले गए। और आपको बता दें वो बक्से खेत में मिले। जब मुन्ना लाल ने चोरों का पीछा किया तो चोरों ने मुन्ना लाल के ऊपर फायर झोंक दी और भाग निकले। सुबह ग्रामीणों ने देखा बक्से का ताला टूटा हुआ सामान गन्ने के खेत में बिखरा पड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने 112 पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने सामान को उठवाकर पीड़ितों के घर रखवाया। क्या है आपका? हमारा नाम मुन्ना लाल। कैसे क्या घटना हुई रात में? जो जब वहाँ से लोग मकान के अंदर घुसे, मकान के अंदर घुसे से हमारा परिवार जागा, हम हो जागेन, देखेन, देख के फिर अंदर लेट रहेन। वो लोग ऊपर छिपे रहे छत के ऊपर। जब हम लोग लेट रहे तब लेके सामान बाहर निकल के भागे गन्ना में। ताला तोड़त रहे, मतलब ताला खोलिन, तब हम लोग जानन टार्च गुजेरे में यहाँ। फिर उनका आगे जाग बठियन तक पीछा कन बठिया तिर हमारे फैर मारिन। ते हम मतलब जो उन्हें पीछे हट गए फैर हमरे लाग नए। ते उनका रफ्तान पंकज भाई के ख्यात तक उनका रफ्तान। अच्छा, उन्होंने फायर किया आपके ऊपर? हाँ, हमारे ऊपर फायर किया। अच्छा, तो आप कितने लोग थे जो उनका पीछा कर रहे थे? हम तीन लोग थे, हमारे दो लड़के, हम और एक हमारा भाई। अच्छा, उसके बाद में गांव परिवारिक सब जो है गांव वाले सब आए, तब वो निकल चुके थे काफी दूर तक। लगभग कितने की चोरी हुई होगी जो आपका सामान चोरी हुआ है? हमारा सामान चोरी हुआ है करीब 70,000 रुपए का हमारा जेवर गया है। आज के 5 साल पीछे का खरीदा 70,000 रुपए का था और 10,000 रुपए का बकरा बेची रहन वो रखा रहा। अच्छा, तो लगभग 1 लाख तक की चोरी आपकी भी हुई है? हाँ, लगभग में इतनी तो हो गई। अच्छा, गांव में बताया जा रहा है दो चोरियां हुई हैं एक ही साथ में? हाँ, दो चोरियां हुई हैं। अच्छा, दो चोरी एक साथ में हुई है। हाँ। आपने इसकी तहरीर वगैरह कहीं दी है? पुलिस वगैरह कुछ आई थी? हाँ, 100 नंबर आई, 100 नंबर को बुलाया था। 100 नंबर रात में? नहीं, अभी आई है, सुबह सुबह आई थी। रात में हमने फोन नहीं किया, मोबाइल गिर गया था जो सुबह ढूंढने मिला मोबाइल।